प्रकार यहाँ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के बारे में भी मुझे केंद्र से भेजे हुए प्रभारी लोग या पार्टी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की सभी गतिविधियों के संबंध में समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। इन कुछ खास व जरूरी बातों के साथ ही अब मैं यहाँ चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर से भारी तादाद में आए हुए पार्टी के लोगों का ध्यान देश में आम जनहित में इस मुख्य बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि जब से केंद्र में व देश के कई राज्यों में भी बीजेपी व इनके एनडीए की सरकारें बनी हैं, तो तब से इन्होंने अपने खासकर आरएसएस के हिंदुत्ववादी व पूंजीवादी एजेंडे को लागू करने के लिए अपनी जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के तहत चलकर पूरे देश में या सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों आदि का हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है, जो अभी तक भी लगातार जारी है। और दलितों के मामले में तो इन्होंने शुरू से ही अपने इसी एजेंडे को आगे रखकर पहले हैदराबाद का दलित छात्र रोहित बेमूला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड कराया और फिर इसके बाद इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व षड्यंत्र के तहत ही उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में पिछले वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कुछ दिन बाद ही वहां महाराणा प्रताप की हुई जयंती के मौके पर जलूस निकालने की एक मामूली सी बात को लेकर वे उसकी आड़ में वहां जानबूझकर दलितों का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि कराया है, जिसका पर्दाफाश करने व जनहित से जुड़े कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी जब मैंने राज्यसभा के नियमों के तहत चलकर सदन में अपनी बात रखनी शुरू की, तो तब फिर सदन में बीजेपी व सत्ता पक्ष के लोगों ने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही खासकर सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में हुए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर मुझे इन्होंने यह अपनी पूरी बात को भी ठीक ढंग से नहीं रखने दिया था, अर्थात राज्यसभा में मुझे अपनी पूरी बात को भी इन्होंने ठीक ढंग से नहीं रखने दिया था, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए ही फिर मैंने ये सोचकर अपने राज्यसभा के पद से उसी दिन अर्थात पिछले वर्ष दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को ही तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर अर्थात संसद के अंदर भी अपने देश के खासकर दुखी व पीड़ित एवं कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ अपनी पूरी बात भी सही ढंग से नहीं रख सकती हूँ, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में मेरे लिए अब यहाँ राज्यसभा में बने रहने का कोई खास औचित्य नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जिस दिन मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, तो उसी दिन मैंने ये भी फैसला लिया था कि अब मुझे पूरे देश में एक ध्यान होकर यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं गरीबों, मजदूरों, किसानों व व्यापारियों आदि इन सभी लोगों को बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली के बारे में इन्हें जागरूक व तैयार करके फिर इनके जरिए यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियों को
केंद्र व राज्यों की सत्ता में आने से रोकना होगा। हालांकि यही सब सोचकर यहाँ वर्षों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिनांक 27 सितंबर सन 1951 को अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही इनके बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने देश में हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवादी व गैर बराबरी वाली वर्ण व्यवस्था के शिकार करोड़ों लोगों को, अर्थात यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों आदि को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भारतीय संविधान में, खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब देन यहाँ कांग्रेस, नेहरू, गांधी व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है और ना ही इनके किसी भी देवी देवता व भगवान आदि की है, बल्कि ये पूरी की पूरी देन इनके यहाँ एकमात्र रहे मसीहा व भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, जिनके द्वारा इन वर्गों को दी गई सुविधाओं को अब ये सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें किसी न किसी रूप में इन्हें प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने में ही लगी हुई है। और इसी मानसिकता के तहत चलकर अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपनी अपनी सरकारों में इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही अपने बड़े बड़े मंत्रालयों के अधिकांश कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनके आरक्षण को भी कम करने में लगी हुई है, जबकि इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने पहले ही काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया है और इनका आरक्षण का कोटा भी अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। और इतना ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो इन्होंने अपने वोटों के स्वार्थ में इन्हें खासकर बीएसपी से दूर रखने के लिए, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं तो इन्हें बीएसपी से दूर रखने के लिए, तो यहाँ पर जो विरोधी पार्टियाँ हैं तो इन्होंने अभी तक ऐसा इम्प्रेशन दिया हुआ है, ऐसा जताया हुआ है बैकवर्ड क्लास के लोगों को, जैसे बीएसपी इन वर्गों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ, जैसे बीएसपी देश में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हो, जबकि वास्तव में अन्य पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने में यहाँ अहम भूमिका बहुजन समाज पार्टी की ही रही है, जिसके लिए बीएसपी को काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। और इस संबंध में यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इसे लागू नहीं किया था। तब फिर हमारी पार्टी को ही इसे लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काफी कड़ा संघर्ष फिर हमारी पार्टी को करना पड़ा था। और आप लोगों को मालूम है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी ने लगभग 6 महीनों तक दिल्ली के बोट क्लब पर धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसमें आपके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों से भी लोग धरने पर बैठे थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए। लेकिन फिर भी उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, जिसका आगे चलकर नतीजा ये हुआ कि देश में सन 1989 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और इसके स्थान पर फिर जनता दल के नेता श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में
केंद्र की सरकार बन गई थी, जिसको उस समय जनता दल के साथ साथ जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी बाहर से अपना समर्थन दिया हुआ था। और उस दौरान सन 1989 में, तो उस दौरान हमारी पार्टी के भी, जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, तो उस दौरान हमारी पार्टी के भी लोकसभा के पहली बार 3 सांसद चुनकर आए थे, जिसमें मैं खुद भी उत्तर प्रदेश की बिजनौर रिजर्व लोकसभा की सीट से सांसद चुनकर आई थी। और उस समय जब श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी, और श्री बीपी सिंह तो देश के प्रधानमंत्री बने विभिन्न पार्टियों के सहयोग से, कुछ पार्टियां सरकार में शामिल थी, कुछ बाहर से उनको समर्थन दे रही थी। तो उस दौरान श्री बीपी सिंह ने हमसे ये कहा कि हमारी सरकार ये चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी या तो सरकार में शामिल हो जाए या फिर बाहर से हमको अपना समर्थन दे। हमने उस समय श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हम आपको आपकी सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये कि हमारी पार्टी के लोग ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी बनने से पहले ही जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो पूरे देश भर में वो संघर्ष करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। और आजादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो तभी फिर ये लोग केंद्र व राज्यों की भी सत्ता पर पहुंच सकते हैं, और तभी ही फिर इनका पूर्ण रूप से विकास व उत्थान भी हो सकता है, और तभी फिर इनको जुम्म जाति आदि से भी मुक्ति मिल सकती है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में सन 1995 में पहली बार हमारी पार्टी की कुछ ही महीनों के लिए सरकार बनी थी, तो तब फिर हमारी पार्टी की रही सरकार ने, वैसे तो वहां सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा उस समय ध्यान रखा था, लेकिन हर मामले में वे हर स्तर पर प्राथमिकता पहले हमने वहां सर्व समाज में से खासकर उन कमजोर व उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी थी, जिनकी यहां पूर्व की रही सभी सरकारों में उनकी जातिवादी व संकीर्ण सोच होने की वजह से काफी ज्यादा उपेक्षा की गई थी। और इस बात का हमेशा हमारी पार्टी ने अपनी सभी चारों रही सरकारों में विशेष ध्यान रखा था, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने अपने पहले रहे शासन काल के दौरान ही, तो यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य